भारत का हर आदमी एक्टर है, हर आदमी हीरो है। आदमी कहते मोदी जी मर जाएंगे फिर कौन बचेगा, विकल्प ही नहीं। आप जो बता दो, गुदड़ी में इतने लाल छुपे हैं भारत में, एक से बढ़के के। मेरी माँ 50 घरों में जाती थी, बर्तन मांज के जो जूठन बचती थी वो लेके आती थी। अब जैसा खाया अन्न वैसा होगा मन। मोदी जी ने जूठन खा खा के इनके रग रग में झूठ भरी है। जुमलावाज प्रधानमंत्री है। अच्छा, गौ माता की जय कहती है बीजेपी के नेता और कुछ अंधभक्त, और इनके घर में कुत्ता पलती है, बीवियां छाती पे कुत्ता को लेटा के सेल्फी लेती है। साहब गौ माता की जय कहती है। मोदी जी कहते हैं नमक दम दम के अंगूरी बदन, उन्हें कुछ नहीं देता। कंगना रनौत दिखती है उसको 22+ सुरक्षा देते हैं। स्मृति ईरानी दिखती है उन्हें, अरे स्मृति ईरानी की सुनो, 250 रुपए के सिलेंडर में ऐसे ₹250 का सिलेंडर था जब ऐसे ऐसे तुमका मार रही थी। ये तो कह रहा मस्त रहो मस्ती में, राग लगे बस्ती में। और कहीं का कह रहा रगड़ मस्त, कोई झगड़ मस्त, कोई मस्त है अपनी मस्ती में। अरे ये पाकिस्तान गए थे बिना बुलाए, और वहां जाकर वहां के प्रधानमंत्री से कहते हैं जना वादा भर के उनका पूरा लेने में क्या अर्जन। अरे बाबा रामदेव जैसे मोदी झूठा वैसे ये झूठा। अंधभक्त कहने लगे 370 हट गई कश्मीर में, शादी करेंगे प्लाट लेंगे, मन एक ने नहीं लिया। स्मृति ईरानी अब क्यों नहीं ठुमका मारती, क्योंकि वो खुद ही सिलेंडर बन गई है, हवा निकल जाएगी वो। अभी तो अरनब की चिट्ठी लीक हुई, स्मृति की गैस लीक हो जाएगी, अच्छा देश में विस्फोट हो जाएगा। वहाँ जब आरही घुमाती है किसान जब घी निकलता है, लेकिन बाबा रामदेव कमर घुमाते हैं ऐसे ऐसे बहुत अच्छे ऐसे ऐसे, तो बाबा रामदेव का घी निकल आता है, ऑनलाइन ऑल वर्ल्ड में बिकता है। कह रहे हैं कि राजनीति, अरे लेफ्ट राइट का मतलब समझते हो? पहले तो मैं बताऊं, जो कहते हैं ये लेफ्ट वाले बेकार है तो राइट वाले बेकार है। अंग्रेजों के जो राइट तरफ बैठते थे वो उनके चमचे थे वो गुलाम, और जो उनका विरोध करते थे वो लेफ्ट में रहते थे। तो जो बीजेपी और आरएसएस की जड़ है, जो देशभक्ति का तमगा दूसरों को दे रहे हैं लगा रहे हैं, ये सारे उनके मुखबिर थे। आरएसएस का मतलब था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नहीं सुरक्षा समिति। स्वयं सेवक संघ तो जी अब बन गए आजाद भारत में 1925 में बना है। अंग्रेजों के टाइम की तो बता रहे, उस समय जो उनके सुरक्षा समिति थी, जैसे आजकल नगर रक्षा समिति बनती है ना, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा समिति में तो उनकी अर्ध सैनिक थे जो खुफिया चड्डा आधा और शर्ट। अब तो फुल हो गया, अब फुल इसलिए होगा जाड़ा ज्यादा लग रहा है ना। कुछ दिन में सरकार लोग हट गया जाड़ा लगे। मोदी जी कहते हैं नमक दम दम के अंगूरी बदन, उन्हें कुछ नहीं देता। कंगना रनौत दिखती है उसको 22+ सुरक्षा देते हैं। स्मृति ईरानी दिखती है उन्हें। हाँ आप एक बात तो बताओ, ऐसी स्मृति ईरानी ने कौन सा जादू कर दिया था? कोई उल्लू की लड़की फेरी थी कि लकड़ी फेरी थी? वो जानी मानी एक्टर एक्ट्रेस थी वो। कौन कह रहा है? दारू लगाती थी। भारत का हर आदमी एक्टर है, हर आदमी हीरो है। आदमी कहते मोदी जी मर जाएंगे फिर कौन बचेगा, विकल्प ही नहीं। आप जो बता दो, गुदड़ी में इतने लाल छुपे हैं भारत में, एक से बढ़के के। इससे पहले मोदी कोई जानता था? वो तो उन्हें जन्माया कि मेरी माँ 50 घरों में जाती थी, बर्तन मांज के जो जूठन बचती थी वो लेके आती थी। अब जैसा खाया अन्न वैसा होगा मन। मोदी जी ने जूठन खा खा के इनके रग रग में झूठ भरी है। जुमलावाज प्रधानमंत्री है। और बता दूं, भाजपा में सब झूठे ही हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लड़कियां मुसलमानों को भी आती है। अब डर लग रहा है कि मुसलमान घंट फैलाते बाद में बोला मुसलमान घंट फैला दे के तलाक दे देगा, तो उनका 3 तलाक का कानून ले आओ। इन्हें डर था कि हमारी बेटियों को ना भगाना, क्योंकि 35 हिंदू नेताओं की लड़कियां मुसलमानों के घर में, जिसमें मोहन भागवत भी है, सुब्रमण्य स्वामी है, मुरली मनोहर जोशी है, मोहम्मद अब्बास नकवी घर में, रेणु शर्मा और कौन कौन है उनके लड़का लड़की। तो ये तो कहीं के ईंट कहीं के रोड़ा, भानुमती ने कुर्मा में जोड़ा। और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और योगी आदित्यनाथ जी अगर सच्चे हिंदू ही है जो सनातन है, तो भूल ही चुके हैं और भुला दिया बीजेपी ने। लोगों में भ्रम हो रहा है, सनातन की तो ग्रंथ है, सनातन के इतिहास है, हिंदू का कोई इतिहास हो तो बता दो। तो हिंदू कहीं के शास्त्र पुराण में नहीं आता। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अच्छा, गौ माता की जय कहते हैं बीजेपी के नेता और कुछ अंधभक्त, और इनके घर में कुत्ता पलते हैं, बीवियां छाती पे कुत्ता को लेटा के सेल्फी लेती है। साहब गौ माता की जय कहती है। अन्ना हजारे
कोई 14 दिन क्वारंटाइन में जाता है वो पता ही नहीं है, 7 साल से इतना लंबा क्वारंटाइन हो गया। योगी जी कहते हैं रामराज चल रहा है यूपी में, राम मंदिर भी बन रहा है। इनका बाप जानता है योगी जी का और मोदी जी का, रामराज होता क्या है? रामराज का मतलब होता देह एक देव एक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहा हुई व्यापा, किसी को करे परस्पर प्रीति, चले सुधर्म निरत सुरत नीति, सब नर करे परस्पर प्रीति, सब आपस में एकता प्रेम और मस्ती से मस्त रहे। पर ये तो कह रहे मस्त रहे हो मस्ती में, राग लगे बस्ती में, और कहीं का कह रहा रगड़ मस्त कोई झगड़ मस्त, कोई मस्त है अपनी मस्ती में, कोई महंगी में कोई सस्ती में। संबित पात्रा कह रहा है कि किसान को कोई मतलब नहीं है, वो बस राजनीति कर रहा है, संगठन राजनीति। संबित पात्रा का खेत मुझे बता दो, किसानों को उसमें हल चला के बीज डाल देंगे। कहीं नारायण रोड का खेत बता दे, हमारे किसान तैयार है अभी, बहुत यंग लड़के हैं, देसी बीज डाल देंगे। हेमा मालिनी खेत बता दे, उसके बाप का कहीं हो, हल चला देंगे बड़ा वाला। शर्मा कह रहे हैं 1 साल कानून को लेके देख लीजिए, दिक्कत क्या है? 1 साल लेके देख लीजिए कानून को। अरे ये जुमलाबाजों का भरोसा ही नहीं रहा। एक बार इन्हें कहा था भाई और बहनों, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में उड़ाऊंगा। मोदी जी पूरी दुनिया में डंका, पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं भारत का। मोदी जी मोदी भक्त कहते हैं, अरे ये पाकिस्तान गए थे बिना बुलाए, और वहां जाकर वहां के प्रधानमंत्री से कहते हैं जना वादा भर के उनका पूरा लेने में क्या आगे बढ़ा। कंगना कहती मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। कंगना इतनी बड़ी देशभक्त बन गई इन गद्दारों का, जे पता नहीं ये सब इनको उसमें क्या देखा। जिसकी कोई भूमिका नहीं, जिसके बाप की खेती में हल कभी इसने चलाया नहीं, और अगर इसका खेत कहीं पड़ा हो पड़ती तो उसमें हल चलवा ले, ये बहुत बड़े बड़े योद्धा बैठे। लेकिन आपको भी तो किसान नहीं मानते, नकली बता रहे हैं। हम उनको प्रधानमंत्री नहीं मानते, हम उनको असली हिंदू नहीं मानते। हम जो किसानों को नकली किसान कहेगा, हम उनको दो बाप की औलाद कहेंगे, भरण शंकर कहेंगे। किसान की माँ जब आ रही घुमाती है किसान जब घी निकलता है, लेकिन बाबा रामदेव कमर घुमाते हैं ऐसे ऐसे बहुत अच्छे ऐसे ऐसे, तो बाबा रामदेव का घी निकल आता है, ऑनलाइन ऑल वर्ल्ड में बिकता है। अंधभक्त खा रहे हैं, कोरोना हो रहा है उनको, ये 3 महीने से किसान पड़े हैं, किसी कोरोना नहीं हो रहा, कोई मास्क नहीं लगा है, ये सब WHO के दलाल है। बाबा रामदेव ने कोरोना बना लिया था। अरे बाबा रामदेव जैसे मोदी झूठा वैसे ये झूठा। अंधभक्त के लगे 370 हट गई कश्मीर में शादी करेंगे, फ्लैट लेंगे, दोनों ने एक ने नहीं लिया। और सुनो ये सारे के सारे गए थे बीजेपी के अंधभक्त, ये कहते क्या थे, बाबा रामदेव दवाई ले आए, बाबा राम कांग्रेस विरोध कर रही है, बम फोड़ रही है। आप ये बता दो पार्टी कौन की अच्छी है, भाजपा तो बची नहीं है, भाजपा कोई पार्टी है? ये है कि दल दल देश की सबसे राष्ट्रवादी पार्टी है। कौन कह रहा है? राष्ट्र को बर्बादी पार्टी, राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र बर्बादी पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी। और इनकी बातें तो सुनो यार, एक आध विश्वास कर लो बुझे, 21 दिन दो कोरोना खत्म खत्म, और तुम कह रहे मोदी डंका बजा रहे, ट्रंप आता है डंका बजाने लगता है, टंकी बजाने लगता, विदेशों में चला जाता, पूरा नौटंकी बाज प्रधानमंत्री है, इतिहास गवाह रहेगा इस बात का। इतना बड़ा जोकर मैंने कौन नहीं देता, राम मंदिर बन गया, इतने अच्छे प्रधानमंत्री, इतने अच्छे हैं। कंगना को अच्छे लगते हो, तुम्हें अच्छे लगते हो, और स्मृति ईरानी को लगते हो, और संबित पात्रा को लगते हो, अर्णब गोस्वामी को लगते हो, वो अर्णब गोस्वामी अरे स्मृति ईरानी की सुनो, 250 रुपए के सिलेंडर में ऐसे तुम कमाते, फेंक दूं ना, 250 रुपए का सिलेंडर था जब ऐसे ऐसे तुमका मार रही थी जंतर मंतर। अमिताभ बच्चन के खुद पूरी खानदान को परिवार को कोरोना हो गया, वो मोबाइल में आधे घंटा बोलता रहता। हाँ जब देखो जब वो कोरोना, इनके पूरे फर्जी काम है यार, जो आदमी स्वस्थ हो उससे बुलवाते, कोई गरीब से बुलवाते उसको पैसा देते, वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए कोरोना के। और मोदी जी उसके आया तक बन गए, ट्रंप को क्यों बुलाए थे जब कोरोना फैल रहा था? अरे मनमोहन सिंह और सरकारों में जब मोदी जी गुजरात में प्रधानमंत्री थे तो बोलते थे पाकिस्तान से बात करना बंद करो, चाइना से बात मत करो, और ये बिना बुलाया जाता बिरयानी खाने। किसानों की बिरयानी इसको कड़वी लग रही है, यहाँ के देख
तो यह कह रहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या कहो। राष्ट्रवादी इनकी जूतों की तलवा, ये राष्ट्रभक्तों के जूतों की तलवा नहीं है, भगत सिंह के चरणों की धूल नहीं है, चंद्रशेखर आजाद के, वो अन्ना की तो मुझे समझ में नहीं आ रही। अब आखिर है क्या बुढ़ापे में तमन हो कहीं मरवे जा तो यार भैया इतने लोग मर रहे हैं। मोदी जी विकास पुरुष है, विनाश पुरुष है। पहले नंबर तो ये घर से भागे तो इनकी माँ की रकम गायब हो गई। फिर इनने जब पढ़ाई की पूछता है कोई तो डिग्री गायब है साहब इनकी। 100 दिन के बाद में इनके नोट गायब, कहला देश से नोट आएंगे, गुलाबी गुलाबी नोट गए। मोदी जी कहते खाऊंगा ना खाने दूंगा।